चलो भाई। सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक बहुत बहुत। और भाई आइसक्रीम लेते हुए आया हूँ मैं छोटे अली के लिए। कशान आप लोगों को पता है हमारा, वो उसकी है हर जुम्मे उसकी आती है। ये चाचा खड़े होते हैं एक बेचारे लेके 30 रुपये का 20 रुपये का कप लेके, तो अच्छी बिक्री भी हो जाती है उनकी। और अच्छी बात है कि लोग ले भी लेते हैं और बड़ी टेस्टी भी होती है भाई। तो खैर अंदर चलते हैं, कशान को खिला के। मैं ये आज हमने छत पे तरपाल बांधना है, मैं देखता हूँ। क्योंकि मैं घर से जब नमाज़ पढ़ने जा रहा था तो कुछ पक्का नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि हमज़ा जो है उसकी तबीयत ख़राब है आज दोस्तों, और अत्थर भाई मैं अकेले दो बंदे बच जाएंगे। तो देखते हैं क्या पता बांध दें या क्या पता ना भी बांध दें, तो देखते हैं जो होता है आगे चलते हैं। चलो भाई छत पे। दोस्तों मैं तो रेडी हो गया, जो नमाज के कपड़े तो उतार उतार दिए भाई, क्योंकि गर्मी देखें धूप इतनी शदीद हो रही है और इस धूप में ही हमें काम करना पड़ेगा, क्या करें तो मजबूरी है। काफ़ी तेज़ धूप है और मुझे लग रहा है कि आज ऐसी कंडीशन होने वाली है, क्या बताऊँ। हमदा की तबीयत तो सेट नहीं है, तो अत्थर भाई जो है बड़े भाई वही साथ हैं मेरे, और हम ही पूरा सेटअप अब तरीके से करेंगे यहाँ पे। तरपाल वगैरह तो बांध दें देखें, और बांस वगैरह भी टिकाएं, जैसे तैसे जो भी सेटअप होगा आप लोग साथ रहें और देखें। चले मिल के स्टार्ट करते हैं अब अपना पूरा सेटअप तरीके से आज। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer, maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today, without you I never could have moved away. But now I see what you teach, I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. तो दोस्तों शाम का टाइम हो गया है यार, मेरी हालत टाइट हो गई है और अत्थर भाई की भी, वो मेरे साथ लगे हुए हैं। अब इसको यहाँ से सहारा दे रहे हैं हम, उस तरफ एक किला लग के उधर लगेगा ये। बाकी यहाँ पे कोई जगह नहीं थी दोस्तों, छत पे भी ये जो आप देख रहे हैं टंकी के नीचे, मैं सोचा ऊपर करके बांधू पर नहीं बन सकता, ज़रा बराबर भी जगह नहीं है वहाँ पे। हम कीले ठोक ठोक के थक गए हैं वहाँ पे, जो किले आते हैं बड़े ड्रिल मशीन से सुराख कर रहे हैं, सुराख हो ही नहीं रहे भाई, तो इस वजह से अब मजबूरन यही करना पड़ा। खैर बाकी आप लोग साथ रहें और देखें, ये पूरा आज ही करना है। Why?
तो दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार हमारा ये तरपाल का सिस्टम हुआ है देखें। और इधर से काफ़ी उड़ा था तो इसको हमने टेक देने के लिए ना ये बक्सा रख दिया है। अब ये इसके ऊपर ईजली ना, ताकि ऊपर ना हो ज़्यादा, तो ये मतलब खींचेगा तो फट ना जाए। तो बड़ी मेहनत के बाद ये सब हुआ है भाई। एक हमने वहाँ पे बांस लगा दिया है, एक ये बांस लगा दिया है दोस्तों। अब ईजिली बांस हो पे, यही हमारा प्लान था मेरा, जो मैंने जहन से सोचा था। भाई को बताया, मैंने बोला नहीं सही है। बाकी दोस्तों ऊपर वो दीवार दिख रही है आपको टंकी की, उसमें भाई हमने लाख कोशिश कर ली, सुराग नहीं हो रहे। ड्रिल पूरी है लगाने के हम पे आ जाती, तो इसलिए मैंने उनको मना ही कर दिया। उन्होंने भी मुझे समझाया, बोला बेटा यहाँ होगा ही नहीं, तो हमने नीचे जैसे तैसे करके कर दिया और इसे लगा दिया। खैर अल्लाह के करम से एक तो लग गया हमारा। अब कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है यहाँ का, ये भी सेफ है, और जो हम बाकी अपने जानवर लाएंगे वो भी सुकून में आ जाएंगे। तो बस ये छोटा मोटा सेटअप जितना है मिनी पेट हाउस का, तो खैर है कहलाएगा या नहीं कहलाएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो इसको भाई दिल से मानूंगा मिनी पेट हाउस। जो अपने परिंदे लाऊंगा उनके लिए जितना हो सकेगा दोस्तों करूंगा मैं, जितना मेरे से होगा और जितना अल्लाह ने दिया अल्लाह करा मैं। आप करो शौक, अल्लाह पाक को बोलते ना कि देते जाता बरकत, देते जाता बरकत, देते जाता, तो बस आप कोशिश करो, बरकत डालने वाला आपका परवरदिगार है। बाकी दोस्तों ये जगह कुछ ऐसी हो रही है, यहाँ जो है हम कल करेंगे साफ सफाई, देखें कितना गंद है। तो आज हम पूरे हो गए, 6 बज रहे हैं और मैं और अफसर भाई लगे हुए हैं, हम दो ही बंदे बस काम से, बाकी सारे जॉब वगैरह पे गए हैं। और अफसर भाई जो उन्होंने छुट्टी करी मेरी वजह से, बाकी जो भाई हैं वो गए हुए थे। हमजा की तबीयत बहुत ख़राब है, उसने साफ मना कर दिया था मैं नहीं आ पाऊँगा, तो हम दोनों ने सारा काम अभी करा है। मैंने खाना तक नहीं खाया हुआ, अब मेरी हिम्मत डाउन हो रही है दोस्तों। तो खैर इधर हमारा मुर्गी पालन, तो मुर्गे पालन, तो बर्ड, इंशाल्लाह हर चीज़ यहीं करेंगे, हल्के हल्के करके पूरा कर देंगे अपना मिनी पेट हाउस को इंशाल्लाह। तो दोस्तों जो भी था यही था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया है तो मेरे इस व्लॉग को लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।